नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेष्ठ मांगलिक, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयसोर रोड, कोलकाता। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी या ओपन दोनों माध्यम से किया जाता है। लैप्रोस्कोपी आने के बाद जिंदगी में बहुत आराम हो गया है। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी यानी कि गॉल ब्लैडर की माइक्रोसर्जरी जो आम भाषा में बोलते हैं, इसके बाद दूसरे ही दिन से जो पेशेंट हैं वो सब कुछ खा सकते हैं, जो उनकी इच्छा करती है वो खा सकते हैं, वो उठ के बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, स्वयं का काम स्वयं कर सकते हैं। जब वो घर के लिए भेजा जाता है उन्हें, तो उन्हें बताया जाता है कि वो घर जाने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी कर सकते हैं। आप देखिए कि वो दूसरे ही दिन से नहा भी सकते हैं। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जहाँ पे काटी हुई जगह है वहाँ पर सिर्फ बैंडेड चेंज करनी होती है, जो कि पेशेंट स्वयं कर सकते हैं। नहाएं, नहाने के बाद बैंडेड चेंज करें, अपना नॉर्मल क्लोथ्स पहनें और बाहर जहाँ काम के लिए जाना चाहते हैं या बाज़ार करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सामान उठाना चाहते हैं, सब्जियों का थैला, अपना कोई सामान तो उठा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये सब कर सकते हैं। ये आराम हुआ है हमें लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी यानी कि गॉल ब्लैडर की माइक्रोसर्जरी होने के कारण। तो आप इस ऑपरेशन से घबराएं ना। जब भी गॉल ब्लैडर की कोई समस्या हो, आप सर्जरी की आपको सलाह दी जाए तो आप सर्जरी कराएं और निश्चिंत मन से घर जाएं, सब काम करें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। धन्यवाद।